जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रोजगार संकल्प चैनल में। साथियों, अगर आपने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने पैसे के रिफंड के लिए यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह किया हुआ है, तो आप सभी ने यहां पर बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आपका पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है। कभी आप SMS के माध्यम से, कभी आप मिनी स्टेटमेंट चेक करके बार बार दोस्तों आप चेक कर रहे होंगे कि अभी तक आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ है। तो वो चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप जो है सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट दिखाएगा तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म जो है, आपका जो पैसा है, यहां पर 45 दिन के भीतर जरूर यहां पर आ जाएगा। तो वो चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपने फॉर्म जो है किसी साइबर कैफे या कहीं अन्य किसी जगह से भरवाया है तो भी वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही इसके लिए आप जो है अपना जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके माध्यम से आप जो है केंद्रीय पंजीकरण सहारा रिफंड पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, अपना आपका जो स्टेटस है वो यहां पर दिखाई देगा, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जमाकर्ता लॉगिन का यहां पर ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना है, मोबाइल पर भी सेम ये पोर्टल ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर बता रहा है आधार नंबर में अंतिम 4 अंक यहां पर दर्ज करना है, जो भी आधार कार्ड में जो भी आपका नंबर है वो यहां पर आपको दर्ज करना है, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है साथियों वही मोबाइल नंबर यहां पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग शुरू हो चुका है, और यहाँ पर OTP जो है, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP जो है सेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP डाल के यहाँ पर सत्यापित वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पर जो है रिजेक्ट या एक्सेप्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने जिनका चेक किया है वहाँ पर रिजेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बताया नहीं जा रहा है कि किस कारण से ये रिजेक्ट वगैरह किया गया है, क्या चीज़ यहाँ पर गलती हो गई है, वो चीज़ यहाँ पर उनको बताना चाहिए। लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्टेटस आप रिजेक्टेड यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें यह सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको फॉलो करना है जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, और वैसे ही आप जो है अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। और जिनका भी यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है वो समझ लीजिएगा उनका जो 45 दिन के भीतर है वो पैसा यहाँ पर रिफंड यहाँ पर कर दिया जाएगा, और जिनका रिजेक्ट यहां पर हो रहा है वो दोस्तों मैं जल्द ही वीडियो यहां पर बनाऊंगा जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी अभी इकट्ठा करूंगा। उसके बाद कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है वो सारी जानकारी दोस्तों मुझे मिलने के बाद मैं आपको एक वीडियो बना के प्रॉपर यहां पर दूंगा, ताकि दोस्तों आप जो है उसको जो आप जो है यहां पर जो है उसके लिए फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी जानकारी एकत्रित करने के बाद दोस्तों एक मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर यहां पर लेकर आऊंगा। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसी बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपना स्टेटस फटाफट यहां पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।